आईपीएल 2022 के मीडिया राइट्स के ऑक्शन के बाद बीसीसीआई को बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है। टीवी और डिजिटल राइट्स के लिए बीसीसीआई को लगभग 44,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके बाद बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस बात की घोषणा की है और ये घोषणा पूर्व क्रिकेटर्स और अधिकारियों की पेंशन से रिलेटेड है। दरअसल बीसीसीआई ने 900 लोगों को शामिल किया है। इन लोगों को जल्दी पेंशन का फायदा मिलने वाला है। जिन लोगों को ये फायदा होगा उसमें पूर्व पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को भी शामिल किया गया है। इस घोषणा को करते हुए बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे पूर्व क्रिकेटर्स और मैच अधिकारियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इससे करीब 900 लोगों को फायदा होगा। जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उनमें से करीब 75% कर्मचारी 100% पेंशन वृद्धि का फायदा ले सकेंगे। जिन खिलाड़ियों को 15,000 रुपए पेंशन के रूप में मिल रहे थे उन्हें अब 30,000 रुपए मिलने लगेंगे। वहीं 22,500 रुपए पेंशन वाले क्रिकेटर्स को अब 45,000 रुपए मासिक मिलने लगेंगे। इस तरह हर वर्ग के मासिक पेंशन वाले खिलाड़ियों को और अधिकारियों को पेंशन में वृद्धि की गई है। तो ये बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा ऐलान है। दरअसल मीडिया राइट्स के बाद बीसीसीआई को बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है। चार वर्गों में मीडिया राइट्स को बेचा जा रहा है, जिसमें ए बी सी डी चार वर्ग बीसीसीआई ने रखे हैं। ए और बी की नीलामी हो चुकी है, जिसके लिए बीसीसीआई को लगभग 44,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीसीसीआई को इस ऑक्शन में इस मीडिया राइट्स के बेचने में बहुत बड़ी रकम हाथ लगेगी और अब आने वाले दिनों में उम्मीद है कि कुछ और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपका बीसीसीआई के इस ऐलान पर क्या कहना है? जिस तरीके से बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन में वृद्धि की है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या और बदलाव बीसीसीआई को अब करने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।